गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. यस, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 4 हीट. ओके, एंड वी हैव स्टार्टेड टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट इन अवर प्रीवियस वीडियो. ओके, एंड वी हैव डिस्कस्ड हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड बाय कंडक्शन प्रोसेस एंड हीट इज ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस बाय कंडक्शन प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ हीट इज रेडिएशन. ओके, यू से दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट दैट आर प्लेस्ड आउटसाइड योर हाउस व्हेन यू टच दिस ऑब्जेक्ट इन डे टाइम आफ्टर सम टाइम यू फील इट इज हॉट. हाउ इज द ऑब्जेक्ट इज हीटेड? हाउ इज हीटेड द ऑब्जेक्ट बेटा? बिकॉज द हीट ऑफ सन. By heat of sun, the objects that are placed outside our house in the daytime, it becomes hot. Okay, so how the heat of sun is transferred to the object that is placed on the earth? In the form of waves. So the process of transfer of heat in the form of waves is called radiation. So radiation is the process of transfer of heat in the form of waves is called radiation. Clear? Yes. So the sun's heat reaching Earth's surface through waves. So the sun heat transfers to the Earth's surface by radiation process in the form of waves. In the form of waves. So this is process is a radiation. Okay, yes, we see that in conduction process, heat is transferred by solids. And in convection process, we also say heat is transferred by through liquids and gases. But in radiation process, the heat is transferred by radiation does not require any medium like solid, liquid and gas. Okay, so it takes place whether the medium is present or not. चाहे मीडियम है चाहे मीडियम नहीं है, हीट क्या होगी? ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. सो दिस इज अ रेडिएशन. ओके, वी सी अनदर एग्जांपल. व्हेन यू कैप्ट अवे हॉट यूटेंसिल फ्रॉम द फ्लेम आफ्टर सम टाइम इट कूल्स डाउन. यस, बिकॉज द हीट ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग. द हीट फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग. So this hot object after some time cools down. Our body also give heat to the surrounding and also receive heat from the surrounding by radiation. Okay, in this way all the hot objects radiate heat. Okay, all the hot objects radiate heats. Okay beta, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है. जब हीट उसके ऊपर आती है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है. व्हेन हीट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजेस. हाउ? हाउ बेटा? बिकॉज व्हेन द हीट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज अ ऑब्जेक्ट. व्हेन द हीट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट that a part of the heat is reflected. A part of the heat is absorbed and a part of the heat is transmitted. What is the meaning of reflection? We have learned in 6th class about reflection. The image of our face that we see in mirror, we see that this is a reflection of our face. Hana? So what is reflection? When heat is fall on any object, it bounces back. Okay, when this fall on an object, it bounces back. This bounces back of light is known as reflection. ओके, मतलब जो हीट इसके ऊपर आई ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसका कुछ पार्ट तो क्या हो गया, उससे टकराने के बाद वापस चला गया, तो वो तो क्या है?
रिफ्लेक्शन है, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है, उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, टेक कर लेता है। तो ये जो हीट का जो पार्ट वो ऑब्जेक्ट उसको एब्सॉर्ब कर रहा है, इस एब्सॉर्प्शन की वजह से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस एब्सॉर्प्शन की वजह से क्या हो रहा है, उसका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ट्रांसमिटेड कुछ ये जो हीट है इसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे कई बार हम सन की लाइट का यूज हीटिंग पर्पज के लिए करते हैं, समटाइम उसका हम यूज करते हैं लाइट पर्पज के लिए, समटाइम उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। तो इस तरह से उसका एक कुछ पार्ट क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिट। सो द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट। क्लियर बेटा? नाउ वी मूव अवर नेक्स्ट टॉपिक। यस, नाउ वी विल डिस्कस सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ओके, फर्स्ट वी डिस्कस सी ब्रीज। ओके, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू लैंड, ओके, दिस इज नोन एज सी ब्रीज। वी हैव डिस्कस दैट लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वॉटर। ओके, लैंड हीटेड एंड कूल्स डाउन, गेट हीटेड एंड ऑल्सो कूल डाउन फास्टर देन द वॉटर। यस, सो वी डिस्कस सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज ऑन द बेस ऑफ दिस। लैंड हीटेड एंड कूल डाउन फास्टर देन द वॉटर। ओके, मेनली सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज वी कैन सी इन कोस्टल एरियाज। ओके, सो ऑफ सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड नियर कोस्टल एरिया गेट हीटेड ड्यू टू द सन्स रेडिएशन। ओके, ड्यू टू द सन द हीट ऑफ सन द लैंड नियर द कोस्टल एरियाज गेट हीटेड। द सी ऑल्सो गेट हीटेड बट इट टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड देन द लैंड। द वॉटर ऑफ द सी ऑल्सो हीटेड बाय द रेडिएशन ऑफ द सन बट इट टेक्स मोर टाइम गेट हीटेड कंपेरिजन टू लैंड। ओके, देन द लैंड इट टेक्स मोर टाइम टू गेट हीटेड देन द लैंड, मतलब लैंड के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो वॉटर जो है वो क्या करेगा, ज्यादा टाइम लेते हैं हीट होने में, यानी वॉटर ऑफ सी हीटेड स्लोली देन द लैंड। ओके, सो द एयर Above the land gets heated faster than the air above sea. So the air above the land gets heated faster than the air above the sea. Yes? Clear? The hot air from the land rises above as it is lighted and the cool air from the sea being heavier takes its place. Okay. क्या होगा, लैंड के ऊपर जो एयर है वो जल्दी गर्म होगी, व्हेन द एयर वार्म इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप अपवर्ड डायरेक्शन एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। ओके, इन दिस वे द एयर ब्लोस फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड, दिस इज नोन एज सी ब्रीज। ओके, इसी वजह से कोस्टल एरियाज के अंदर जब हम जाते हैं तो दिन में हमें क्या है, कूल एयर फील होती है, ठंडी मतलब हवा हम फील करते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ वहां पर क्या हो रही है, सी ब्रीज ब्लो हो रही है। और सी ब्रीज ब्लो कैसे होंगी, ड्यूरिंग डे टाइम द एयर फ्रॉम द लैंड गेट हीटेड फास्टर एंड बिकम्स लाइटर एंड मूव अपवर्ड डायरेक्शन, देन कूल एयर फ्रॉम द सी मूव टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस।
sorry, sea breeze blowing from sea to land. Okay, so sea breeze are the wind blowing from the sea towards the land is called sea breeze. Okay, are you understand sea breeze? Now we will discuss land breeze. Yes, land breeze, the wind blowing from land towards the sea is called land breeze. It is the opposite of sea breeze. Okay, sea breeze, wind blowing in sea breeze, wind blowing from sea towards the land. But in land breeze is a wind blowing from land towards the sea. Sea breeze blowing in daytime. Okay, now we see during the night time, the land near coastal area gets cooled down faster than the sea. We have discussed that the land kya hai? Heated bhi jaldi hoti hai aur night ke time mein cool bhi kya hogi? Cool down bhi jaldi ho jati hai. इसी तरह से रात को जब नाइट के टाइम में अब लैंड तो क्या हो गया, जल्दी से ठंडी हो गया, लेकिन जो वाटर है सी का वो भी मतलब लैंड के कंपैरिजन में वो ठंडा नहीं हुए, वो क्या है, वार्म है. अब जो एयर होगी सी के ऊपर की एयर भी उसी हिसाब से क्या होगी, वार्म होगी एज ए कंपेयर द एयर अबव द लैंड. ओके, सो द एयर फ्रॉम अबव द सी rises up and the cool air from the land blow towards the sea. This is known as land breeze. Okay, the air above the sea is hotter than the air above the land. Okay, it is hotter than the air above the land. The air above the sea is hotter than the air above the land. Okay, therefore the air above the sea rises. So the air above the sea rises up and the air from the land being cool flow towards the sea. So the air above the land move towards the sea. As a result, land breeze blowing. So we see that in daytime, wind blow from sea towards land. This is known as sea breeze. And when during the night time, the wind blowing from land towards the sea, this is known as land breeze. I hope you understand this, sea breeze and land breeze. Okay beta, so watch the video carefully and read chapter from your book. Okay beta, thank you, have a nice day.